सोलन में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भाजपा जी तोड़ प्रयास कर रही है और वह इस सम्मेलन को मंडी में हुए सम्मेलन से भी बेहतर करने का प्रयास कर रही है। ये खुलासा भाजपा जिला अध्यक्ष केएल ठाकुर ने सोलन में प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में हजारों पन्ना प्रमुख तो भाग लेंगे ही, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि केंद्र से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और सोलन से चुनावों का विगुल फूंकेंगे। जब जिला अध्यक्ष केएल ठाकुर ने तीन राज्यों में हुई हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत जीत नहीं है, बल्कि जहां कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है वहां मतदान की दृष्टि से भाजपा को बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन राज्यों की जनता को बेहद लुभाने सपने दिखाए हैं जिसे किसी भी सूरत में पूरा नहीं किया जा सकता, जिसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा, इसलिए वह कांग्रेस की जीत को जीत नहीं मानते। जो 23 तारीख को शिमला संसदीय क्षेत्र का पन्ना प्रमुख का सम्मेलन सोलन में आयोजन होने जा रहा है, उसके बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी मंडी पार्लियामेंट से, पूरी शिमला पार्लियामेंट के लिए 10-10 विस्तार का है हर मंडल के लिए, तो उन सबको दिशा निर्देश दिए गए। उनको बिल्कुल ये जो हार हुई इसके बारे में तो हम सबको मालूम है, हार है ये तो लोकल कारण थे। दो स्टेटों में जैसे आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पिछले 15 साल से हमारी सरकार थी तो जाहिर है कि एंटी इनकमेंसी भी हो जाती है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में हम लगभग बराबर रहे हैं और वोट परसेंटेज एक पॉइंट्स में हमारी उनसे ज़्यादा है कुछ कारणों से। ठीक है, कांग्रेस जो है अपना कुछ जैसे लोक लुभाव ने उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे, पूरा विश्वास है, फिर भी उन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया। कई और इश्यूज रहे, नोटा को काफ़ी मोटे पड़ी, कई आरक्षण के बारे में भी गुमराह किया गया, तो गुमराह का थोड़ा फायदा उनको मिल गया, पर तो उनकी जीत नहीं कही जा सकती है।